Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we are going to start with a new chapter, that is changes around us. So students, we see a lot of changes that occurs around us. Some of them can be reversed and some of them cannot be reversed. Now what this statement means, we are going to study about this statement in detail in this very chapter. Okay, so ऐसे बहुत से चेंजेस है जो हमारे अराउंड हो रहे होते हैं, जिनको बहुत से चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक आइस का टुकड़ा लेते हैं, तो आइस का जो टुकड़ा होता है उसके जब हम लोग फ्रिज से निकालते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलरली, अगर आप उस वाटर को वापस में आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है. तो ये चेंज क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज, यानी कि आप आइस से वाटर और वाटर से आइस बना सकते हैं. लेकिन क्या आप मिल्क से कर्ड तो हम बना सकते हैं, लेकिन क्या कर्ड से यानी कि दही से आप वापस मिल्क बना सकते हैं, नहीं बना सकते. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे अराउंड जिनको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और उन्हीं के एग्जाम्पल हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो आप देखते हैं कि जब आप ग्रो करते हैं तो आपके हेयर ग्रो करते हैं, आप साइज में बढ़ते हैं, आपका वेट भी इंक्रीज करता है. तो क्या आप रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हो? क्या आपकी एक बार जब हाइट बढ़ जाती है तो क्या आपकी हाइट छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती है. तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हमारे अराउंड होते हैं जिनको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें एक बच्चा जो है वो बलून को फुला रहा है. तो बलून को बच्चा फुला रहा है, और जब उस बलून को छोड़ देगा तो उसमें से हवा जो होगी, सारी की सारी की जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल कर आ जाएगी. फिर से बच्चा जो है उसी बलून के अंदर हवा भरता है और उस बलून को छोड़ता है, फिर से हवा बाहर आ जाएगी. तो आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है बलून में हवा भर रहा है और हवा बाहर आ रही है. दैट मीन्स ये जो चेंज जो है वो क्या है, रिवर्सिबल है. यानी कि एक बलून जो है उसके अंदर हवा भरकर जब उसको छोड़ रहा है तो हवा बाहर आ रही है. दैट मींस ये चेंज क्या है, रिवर्सिबल है. आप उसको फिर से फुला सकते हैं, फिर से उसमें से हवा को निकाल सकते हैं. सेकेंड एक्टिविटी में गिवन है, जैसे कि एक पेज है आपके पास, एक पेपर है. इस पेपर से आप प्लेन को बना सकते हैं, और इस प्लेन से वापस इस पेपर को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आ सकते हैं. कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा आपको इसके अंदर. तीसरा है कि जो डो होता है, यानी कि जब आपकी मदर आटा गूंथती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डो बोला जाता है उसे इंग्लिश में. तो डो से इस तरह से हम लोग रोटी को रोल आउट कर सकते हैं, और इसी रोटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल्ड आउट रोटी से हम लोग फिर से डो बना सकते हैं. ठीक है, तो ये चेंजेस क्या है, सारे के सारे रिवर्सिबल है, यानी कि इनको हम रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हैं कि डो से हम लोग रोटी बना सकते हैं और रोटी से हम लोग डो बना सकते हैं. लेकिन इन तीनों में एक ट्विस्ट भी है. ट्विस्ट क्या है कि मान लीजिए आपने बलून को फुलाया, ठीक है, आपने बलून को फुलाया और उसके अंदर एक पिन को प्रिक किया, अब क्या हो जाएगा, बलून फूट जाएगा. क्या आप उस बर्स्ट अप बलून से, यानी कि फूटे हुए बलून से, क्या आप फिर से बलून को फुला सकते हैं? नहीं फुला सकते. इसका मतलब ये चेंज क्या हुआ, इररिवर्सिबल हुआ, जिसको आप रिवर्स डायरेक्शन में नहीं कर सकते. सिमिलरली, आप देखते हैं कि आपने एक पेपर लिया था, पेपर पर आपने एक प्लेन बनाया और उसकी कटिंग कर दी, और उस कट आउट जो है, उस कटआउट जो एरोप्लेन है उसको आपने अलग कर दिया. क्या आप इस पेपर को उसके ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आ सकते हैं? नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि आपने यहाँ से पेपर की कटिंग काट दी है. सिमिलरली, तीसरी जो बात हम लोगों ने देखी थी उसमें क्या किया कि हम लोगों ने डो से हमने रोटी बनाई, रोटी को गैस पर हम लोगों ने उसको रोस्ट भी कर लिया, यानी कि उसको सेक भी लिया. क्या आप इस रोटी से वापस से आटा बना सकते हैं, वापस से डो बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. तो ये तीनों चेंजेस क्या हुए, इररिवर्सिबल हुए. ठीक है, क्योंकि हम इनको ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं लेकर आ सकते. तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमारे अराउंड जो हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इररिवर्सिबल भी हो सकते हैं. सिमिलरली, आप पेंसिल और इरेजर को देखते हैं. अगर आप एक बार पेंसिल को यूज करते हैं, ठीक है, पेंसिल को आप शार्पन कर लेते हैं, शार्पन करने के बाद आप देखते हैं कि उसका जो साइज जो होता है पेंसिल का, वो क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली छोटा हो जाता है. सिमिलरली, इरेजर को आप यूज करते रहते हैं तो उसका साइज भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है. क्या आप उस पेंसिल और उस इरेजर को उसके ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आ सकते हैं?
नहीं लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब ये भी चेंजेस क्या हुए, सारे के सारे इरिवर्सिबल हुए, यानी कि आप उनको रिवर्स डायरेक्शन में नहीं कैरी आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर हु इज वर्किंग ऑन अ व्हील, पॉटर्स व्हील, आपने देखा होगा। जो कुम्हार होता है, जो पॉटरी करता है, यानी कि पॉट्स बनाता है मिट्टी के, अदन पॉट्स बनाता है, तो वो मिट्टी को वो क्या करता है, लंप ऑफ जो क्ले है उससे एक वेसल को बनाता है, उससे एक पॉट को बनाता है। क्या वो उस पॉट से वापस मिट्टी बना सकता है? नहीं बना सकता है। इसका मतलब ये चेंज भी क्या हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, यानी कि आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं। आप क्ले से वेसल तो बना सकते हैं, लेकिन वेसल से क्ले नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो भी सकते हैं और बहुत सारे चेंजेस रिवर्स नहीं भी हो सकते हैं। तो आप एक ये टेबल जो है इसे आप अपने आप फिल करेंगे, ये एक्टिविटी है कि कौन से चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं और कौन से चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट आता है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या बहुत सारे दूसरे वेज हैं जिससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मेटल है, मेटल जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनको जब हम लोग हीट करते हैं ना तो ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हम इनको किसी भी शेप या साइज में मोल्ड कर सकते हैं। आप किसी भी शेप या साइज में इनको मोल्ड करने के बाद जब आप उसको फिर से हीट करते हैं तो फिर से इनकी शेप चेंज हो जाती है। फिर से आप इसे ठंडा करेंगे तो कोई शेप अक्वायर कर लेगा, फिर से आप इसे गर्म करेंगे किसी शेप में डाल देंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है गोज ऑन एंड ऑन, यानी कि आप इनको बार बार गर्म करेंगे जब तो इनकी शेप और साइज हर बार चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल है, आप इनको रिवर्स कर सकते हैं। तो हीट करने से मेटल्स को उनकी शेप और साइज जो हो जाती है वो चेंज हो जाती है। जब आप किसी मेटल को हीट करते हैं तो मेटल जो होता है वो एक्सपैंड करता है, यानी कि साइज में बड़ा हो जाता है, और जब ठंडा करेंगे उसको तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा ये जो टूल्स हैं बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, इनके जो रिंग होती है, ये जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनकी जो रिंग्स होती है ना ये कंपैरेटिवली छोटी रखी जाती है। ये वही रिंग्स हैं जिनके अंदर की वुडन की जो लकड़ी का जो डंडा होता है वो इनके अंदर फिक्स किया जाता है। तो लकड़ी का जो डंडा होता है इनके अंदर जब फिक्स किया जाता है तो इसका ये जो डायमीटर है, ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कंपैरेटिवली छोटा रखते हैं, सो दैट ये जो डंडा है ये क्या हो, उसके अंदर टाइटली फिक्स हो जाए। क्योंकि जब हम इसको रिपीटेटिवली यूज करते हैं ना तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद हमें पता है कि मेटल क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो मेटल अगर एक्सपैंड करेगा तो उसकी जो रिंग है वो भी एक्सपैंड करेगी, और जो डंडा हम लोगों ने इसके अंदर डाला है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो हो सकता है कि कभी आप उसको यूज करें तो डंडा निकल कर बाहर आ जाए और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, अलग हो जाए, और किसी के ऊपर गिर भी सकता है, सो इट मे कॉज एक्सीडेंट ऑल्सो। दैट इज वाई इसका जो डायमीटर है वो क्या रखा जाता है, थोड़ा कम रखा जाता है, जिससे वुडन ब्लॉक जो है इसके अंदर टाइटली फिक्स हो जाए और जल्दी से इसमें से बाहर नहीं निकले। क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स को जब भी हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं ये व्हील जो होता है, कार्ट व्हील विद मेटल रिम फिक्स टू इट। कार्ट व्हील जो होती है, जो कि बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है, उसके अंदर भी जो मेटल की रिंग होती है ना उसका डायमीटर भी थोड़ा छोटा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? थोड़ा छोटा रखा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जब ऑटोमोबाइल या व्हील जब मूव करता है तो वो थोड़ा सा हीट अप हो जाता है। हीट होने से क्या होगा, ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, यानी कि साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। साइज में बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो व्हील है उसका जो कनेक्शन होगा ऑटोमोबाइल से वो थोड़ा लूज हो सकता है, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है, और रबर जो इसके ऊपर फिक्स किया जाएगा वो भी लूज हो सकता है। इस तरह से इसको अवॉइड करने के लिए हम इसका साइज क्या रखते हैं, थोड़ा छोटा रखते हैं रिम के कंपैरिजन में, ताकि ये टाइटली फिक्स हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ चेंजेस रिवर्सिबल हैं और कुछ रिवर्सिबल है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं, हम एक पैन लेते हैं, पैन में हम वाटर को हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो इवेपोरेट कर जाता है। वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने का मतलब क्या है कि वाटर किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर, वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, यानी कि वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन।
क्या इन वेपर से या क्या स्टीम से हम वाटर को वापस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। किससे बनाते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी देख सकते हैं। जब आपकी मदर जो है दूध को बॉईल करती हैं, दूध को बॉईल करने के बाद क्या कर देती हैं? उसको ढक देती हैं किसी प्लेट की हेल्प से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब दूध बॉईल हो रहा होता है तो दूध के अंदर जो वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वेपर्स किस पे स्टिक कर जाते हैं? इस प्लेट के ऊपर स्टिक कर जाते हैं। अब प्लेट क्या करती है कि प्लेट पर जैसे ही टकराएंगे तो ये जो वेपर्स होंगे या जो धुआं होगा, जो स्टीम होगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वापस वेपर्स में, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने घर पर इस तरह की दोनों एक्टिविटीज को देखते हैं कि इवेपोरेशन को भी देख सकते हैं और कंडेंसेशन को भी देख सकते हैं। इस प्रोसेस से आपको एक और चीज क्लियर होती है कि ये जो चेंज है ये क्या है? रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल है। यानी कि वाटर से क्या मिल सकता है आपको? वाटर से वेपर मिल सकते हैं और वेपर से आपको वापस वाटर मिल सकता है। सिमिलरली आप आइस को भी देखते हैं। आइस के छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उनको फ्रिज से या फ्रीजर से निकालकर जब आप बाहर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस इसी वाटर को जब आप फ्रिज में रखेंगे तो ये फिर से आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी एक्टिविटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स नहीं भी कर सकते हैं। देन हमने देखा है एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल। आप एक छोटी सी कैंडल को लेंगे, ठीक है, और मेजर इट्स लेंथ। आप इसकी लेंथ को मेजर भी कर लेंगे। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस। आप इसको एक अच्छी सी साफ सी जगह पर इसको आप फिक्स कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसको लिट करेंगे, यानी कि इसको जलाएंगे। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। आप क्या करेंगे? इसको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही जलने देंगे। अब क्या करेंगे? थोड़ी देर जलने के बाद इसे फूक मार देंगे। इसको क्या करेंगे? बुझा देंगे, ब्लो आउट कर देंगे। कैंडल की अब जो लेंथ होगी आप उसको मेजर करिए। तो क्या कैंडल की लेंथ चेंज हुई है? ठीक है, तो हाँ, कैंडल की लेंथ चेंज हुई है क्योंकि जो इसका वैक्स था जिससे ये बनी हुई थी, ये क्या हो जाएगा? ये बर्न हो जाता है, ये उड़ जाता है। इफ यू वर एबल टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? अब आप क्या करेंगे कि इसी जो बर्न आउट वैक्स है इसको आप क्या करेंगे, पैन में लेंगे और इसको हीट करेंगे। तो इस चेंज को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इस चेंज को। तो इसको ये एक्टिव, ये चेंज क्या हुआ हमारे लिए? रिवर्सेबल हुआ। ठीक है, फिर हम देखते हैं, रिपीट दिस एक्टिविटी 7 विद एन इनसेंस स्टिक। अब इसी एक्टिविटी को आप अगरबत्ती के साथ रिपीट कीजिए। अगरबत्ती को जब आप जलाएंगे तो अगरबत्ती से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। अब अगरबत्ती किस में कन्वर्ट हो जाती है? अगरबत्ती किस में कन्वर्ट हो जाती है? अगरबत्ती को जब आपने हीट किया तो हीट करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्या उसी पाउडर से आप अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये चेंज क्या हुआ? रिवर्सिबल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे चेंजेस जो अपने अराउंड देखते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और बहुत सारे इरिवर्सिबल होते हैं, राइट? और प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था जब हम लोग सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डू यू थिंक अ चेंज अकर इन सॉल्ट एंड इन वाटर? तो आपको क्या लगता है कि जब हम लोगों ने सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया तो थोड़ा चेंज हुआ? हाँ, बिल्कुल चेंज आया, क्योंकि सॉल्ट जो है वो पानी में घुल जाता है। क्या आप वापस से उसी सॉल्ट को पानी में से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? इस प्रोसेस को हम बोलते थे इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन से पानी जो है वो उड़ जाता है और नीचे हमारे पास सॉल्ट रह जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस चेंज को भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। शोभा आस्क, इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। आपने कभी देखा है कि आपकी मदर जब दूध से दही को जमाती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? दूध को हल्का सा गर्म करती हैं और उसके अंदर थोड़ा सा, 1 या 2 टीस्पून फुल उसके अंदर कर्ड को डालती हैं और उसको सेट करने के लिए रात भर या 3 4 5 6 घंटे के लिए उसको छोड़ देती हैं। अब उस टाइम पीरियड के बाद आप देखते हैं कि कर्ड जो है वो सेट हो जाता है। अब क्या आपकी मदर उसी कर्ड से वापस मिल्क बना सकती हैं? नहीं बना सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चेंज है वो क्या है? ये जो चेंज है वो है इररिवर्सिबल। ठीक है,
इस तरह से हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को इसके अंदर देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।